तो दोस्तों आज हम मौजूद हैं कुरैशी कबाब पे। आपने देखा होगा भाई, पुरानी दिल्ली का बहुत फेमस कुरैशी कबाब है और आज हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं कि भाई कौन कौन से यहाँ पर कबाब अवेलेबल हैं और क्या क्या उनके प्राइसेस होने वाले हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट इस वीडियो में। तो चलिए अब हम आपको कबाब दिखाते हैं, कबाब कैसे बनते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कबाब सिक रहे हैं और बहुत लाजवाब कबाब दिख रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह सिक रहे हैं और इधर यहाँ पर चिकन के लेग पीसेस वगैरह सिक रहे हैं और अंदर देख सकते हैं भाई बहुत मतलब एक अलग ही तरीका है इनका। और यहाँ पर कबाब ये भैया लगा रहे हैं और अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाने वाला हूँ। ये भैया दोनों लगे हुए हैं इनको लगाने के लिए और बहुत मतलब इनको अब हम इनका थोड़ा टेस्ट भी करके देखेंगे कि भाई टेस्ट करके कैसे लगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुरैशी कबाब जो दिल्ली के मतलब जितने पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के बहुत फेमस कुरैशी कबाब हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ैन चला हुआ है और कितनी स्पीड से ये कबाब बना रहे हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं। और अभी हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उनके क्या क्या प्राइजेज हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई इनका ये मटेरियल्स बनाने का तरीका और ये नीचे जो बन जाते हैं उसको इसमें डालते रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका पैकिंग का भी तरीका है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और कंप्लीट। ये देख सकते हैं कि भाई किस तरह से हाथ इनका चल रहा है, ठीक है। अभी हम इनके प्राइस की बात भी करते हैं भैया से बाहर जा करके। भैया किन किन चीज़ों के कबाब हैं आपके पास? हमारे पास चिकन कबाब है, मटन कबाब है, सीख कबाब है और चिकन रोस्टेड है। रुमाली रोटी होती है, चटनी प्याज होती है। बिल्कुल 50 का एक कबाब है चिकन का, मटन कबाब 60 रुपये का एक है और चिकन टिक्का हमारा चिकन रोस्टेड होता है बटर के अंदर, वो 150 का है। रुमाली रोटी 5 रुपये की है। तो गाइस मैं अभी आपको सबसे पहले इनकी सीटिंग दिखा देता हूँ अंदर। अगर जो यहाँ पर आप खड़े होकर खाना चाहते हो तो भाई खड़े होकर भी यहाँ पर कोई खा सकता है, लेकिन अगर आप बैठ के खाना चाहते हो आराम से तो भाई उसके लिए मैं आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। और अंदर इनकी कितनी जगह पर ये बैठ सकते हैं, कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपको जो दुकान है इनकी जो कुरैशी कबाब की उसी के बराबर में जो गली जा रही है बारीक सी, इसी में ही अंदर जा करके इनके 3-4 ठिए हैं जहाँ पर आप बैठ करके खा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इनके यहाँ से राइट साइड में। आप देख सकते हैं एक यहाँ पर है इनका सिटिंग का, यहाँ पर भी कोई भी बैठ के यहाँ पर खा सकता है। आप देख सकते हैं इधर एक स्पेस इनका ये है कुरैशी कबाब वालों का, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं अगर दूसरे स्पेस की भी मैं बात करूँ तो दूसरा स्पेस इनका ये है बिल्कुल इसके सामने। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये आप दूसरा स्पेस देख सकते हैं इनका कुरैशी कबाब का, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी बैठ करके खा सकते हैं आराम से। यहाँ पर मैं ये फैमिली के लिए स्पेशल है, यहाँ पर फैमिली आती है, फैमिली के साथ बैठ करके खाते हैं कुरैशी कबाब। और हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात भी करेंगे कि उनको कुरैशी कबाब कैसे लगे हैं। तो अब मैं आपको तीसरा ठिया दिखा देता हूँ इनका। वो तीसरा ठिया कौन सा है? वो इधर है तीसरा ठिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला तीसरा इनका ठिया है। और यहाँ पर भी आप कुरैशी कबाब को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको खड़े होकर नहीं खाने, आराम से बैठ के खाने हैं तो आप यहाँ पर भी इनका एक सिटिंग का इनका एक यहाँ पर ठिया है, यहाँ पर भी आप बैठ करके खा सकते हैं। ये इनका कुरैशी कबाब का है और ये भी इनका एक अच्छा बैठने का तरीका है। मैंने आपको तीन दिखाए हैं भाई, कैसा लगा? टेस्ट इज़ गुड, यस। कुरैशी कबाब पहले से पता है? हाँ, लास्ट 10 ईयर से खाते हुए आ रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा कि उनको कुरैशी कबाब कैसा लगा। भाई खा लिया आपने? आप शुरुआत नहीं करी आपने अभी? करो भाई, करो शुरुआत करो। तो भाई खाओ तो यार, तभी तो कुछ पूछा जाएगा आपसे। तो भाई भाई मेरे कहते इन्होंने खाना शुरू करा, नहीं तो अब तक ये रील्स के चक्कर में लगे हुए थे। भाई कैसा लगा? नहीं, ये कबाब बहुत टेस्टी है। नहीं, आते रहते हैं, खाते रहते हैं, बढ़िया कबाब है, बहुत बढ़िया। बताया सबको, बताया पूरी दिल्ली जानती है। एक नंबर भाई, नाम से बिकता है भाई। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, सब स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं भाई कितने कबाब इन्होंने ऑर्डर किए हैं? 40 कबाब ऑर्डर करे हमने भाई। गॉड, 40 कबाब? हाँ भाई, अकेले नहीं खाऊंगा भाई, खासकर कुरैशी कबाब। कुरैशी कबाब वाले जैसे लगते हैं, कबाब इनके बहुत अच्छे होते हैं। आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कभी आओ तो आप यहाँ पे बैठ कर खाना। पर एक चीज़ और भी साथ में साथ बता दूं कि यहाँ पे आपको वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है। आधा घंटा मान के लेकर के आने के आधा घंटा लगेगा आपको बैठने की जगह। अभी यहाँ खुद कुर्सियों की लड़ाइयाँ हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना। तो भाई मैंने इनको आपकी सीटिंग भी दिखाई और किस तरह से बनते हैं वो भी दिखाया है। और भाई मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है खाने का, इसलिए मैंने खाया नहीं, टेस्ट नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने ऑलरेडी खाए हुए तो भाई बहुत टेस्टी हैं अंदर। आप मैंने जैसा आपको दिखाया कि अंदर आप बैठ करके इनका खा भी सकते हो। और आप देख सकते हो भाई ये है कुरैशी कबाब, अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो। और मैं भी और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा जो अलग अलग जगह पर जो बैठे हैं उन लोगों से जो कुरैशी कबाब खा रहे हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे भी आप एक फीडबैक मतलब वहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा भाई। तो यहाँ पर मेरे दो भाई कुरैशी कबाब खा रहे हैं, तो उनसे जान लेते हैं भाई कैसा टेस्ट है। बहुत अच्छा है टेस्ट, मतलब आप लोगों को सजेस्ट करें इधर आना चाहिए। बिल्कुल,
श्योर 100% कुरैशी कबाब खाने के। श्योर श्योर अच्छा लगे ना भैया, आपको कैसा लगे? बढ़िया एकदम टेस्टी। थैंक यू। सुहेल मलिक भैया, कैसा लगा आपको कबाब? बहुत अच्छा लगा भाई, मुरादाबाद से आया हूँ खाने के लिए। मुरादाबाद से? ग्रेट, फर्स्ट टाइम आया हुआ है आपने? मतलब पहले भी खाया? नहीं, हर पर बंद आता हूँ, हर महीने आता हूँ। अरे ग्रेट ग्रेट, तो आपको टेस्ट में मतलब वही चीज़ है या मतलब बदलाव दिखा है कुछ? सेम टेस्ट है, सेम टेस्ट है, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छे।